Hello everyone, welcome all. So today in this series we will discuss about reproduction. हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम हर important chapters का, उसके important topic का one shot video आपको provide करेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा जो chapter है वो अच्छे से revision हो जाएगा. तो आज जो हम discuss करेंगे वो topic है reproduction. Reproduction में basically main important topic जो है वो human reproduction आता है. Plant का बहुत छोटा सा part है, तो आज हम reproduction का सारी चीजें detail में पढ़ेंगे, male reproductive part पढ़ेंगे. सबसे पहले लिख लेते हैं कि आज हमको क्या क्या topic cover करने हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि reproduction क्या है. Next हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसके बाद हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. देन हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी. ओके, और फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो इसमें हमारे कवर नहीं हो पाएंगे, जैसे कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है. मेन चीजें तो हमको कवर करनी है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी है. ये चार टॉपिक हमें कवर करने हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन मींस क्या है, किसी भी स्पीशीज को खत्म ना होने देना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे. री मींस अगेन, प्रोडक्शन मींस किसी चीज को प्रोड्यूस करना. तो रिप्रोडक्शन क्या है कि जब हम अपनी स्पीशीज को खत्म नहीं होने दे रहे, किसी नई चीज का रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज है, ये आप कह सकते हो. दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं. रिप्रोडक्शन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहला रिप्रोडक्शन जिसको हम पढ़ते हैं वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि एक पेरेंट बॉडी से नए ऑफस्प्रिंग बनना. जैसे कि सपोज करो कि अगर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता तो ह्यूमन स्पीशीज क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, या हर कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है. प्लांट्स में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तभी एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन रहा है. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज टेक प्लेस. यानी कि जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं होती, कंटिन्यू रहती है. स्पीशीज क्या रहती है, बेसिकली कंटिन्यू रहती है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होती. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रीफ में इसको हम कंप्लीट करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. भैया यहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है. वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है. उसके बाद अगर आप ये देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और मेजर क्या डिफरेंस आता है, तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. इसको आप अपने डेली लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हम एकदम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी तो नहीं है. क्या ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम कौन है और हमारे पेरेंट्स कौन है, ऐसा नहीं होता. तो दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अस वेरिएशन. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको क्या देता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको वेरिएशन देता है, वेयर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को नहीं देता. अच्छा एक चीज इसमें और थोड़ा हम दिमाग अगर लगाएं तो हमको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकता है. भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हैं, तो कुछ कैरेक्टर आपको एक पेरेंट से मिलेगा, कुछ कैरेक्टर आपको एक पेरेंट से मिलेगा, आप डिफरेंट बन जाओगे. वेयर आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई पेरेंट ही एक है, तो जब पेरेंट एक है तो कैरेक्टर्स अलग कहां से लाओगे, है ना. तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं मिलते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस मिलते हैं. थोड़ा देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स क्या है. भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स कैसे याद रखोगे, दो पेरेंट्स हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है. वेयर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, टाइम टेकिंग है. ये कैसा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है. आपको पता होगा कि जब भी क्या नाम है न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसको बॉर्न होने में कितना टाइम लगता है, 9 months का समय लगता है. वेयर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम टेकिंग नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है.
इन कंपैरिजन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। तो यहां से हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो आपके दिमाग में कुछ नाम आते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन आता है आपके दिमाग में कि हाँ भाई बाइनरी फिजन होता था, एक हमने पढ़ा था जिसको बाइनरी फिजन बोलते थे। तो फिजन मतलब होता है टूटना, यानी कि एक पेरेंट बॉडी जब दो पार्ट में टूट गई तो उसको बाइनरी फिजन बोलोगे, कई पार्ट में टूट गई तो उसको मल्टीपल फिजन बोलोगे। हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग। बडिंग यानी कि हाइड्रा में एक आउटग्रोथ पोर्शन होता है, जब वो आउटग्रोथ पोर्शन टूट के गिर जाता है तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग, इसको आप क्या बोलोगे, बडिंग बोलोगे। तो जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें बाइनरी फिजन, बडिंग और ये सारी चीजें, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इन सब की हम बात करते हैं, विच इज वेरी इजी डेफिनेशन है, उसमें आप एक एक पढ़ते जाओगे आपको तुरंत याद होता जाएगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ने में हमको टाइम भी लगता है और कुछ ट्रिक्स के थ्रू हम इसको जल्दी याद कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप वो समझ लोगे तो आपकी आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है ये सारी चीजें उसी में कवर हो जाएंगी। तो पहले आपने ब्रीफ चीजें लिख ली, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें हमको पढ़नी है, हम पहला पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहला हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो पहले मेल कवर कर लेते हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले आता है टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। कितनी टेस्टिस होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। कितनी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो आपको अब क्या करते जाना है, याद करते जाना है साथ साथ कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस को, एक्सेसरी डक्ट को, और किसको इंक्लूड करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्सेसरी डक्ट को। एक्सेसरी डक्ट के नाम अभी हम पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वाह क्या राइटिंग बन गई ना, थोड़ा सा खराब, गुड। सी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चोट लग गई, ज्यादा तारीफ कर दी इसलिए चोट लग गई लग रहा है। देखो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। अब ये जो टेस्टिस है ये पेयर में प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, पेयर में, यानी कि कहा, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो होती है बेसिकली वो दो होती है, कितनी होती है, दो। टेस्टिस एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं इस पाउच को, स्क्रॉटम बोलते हैं। अच्छा टेस्टिस पाउच के अंदर लोकेटेड क्यों है, देखो टेस्टिस दो होती है, एब्डोमेन के बाहर होती है, वेयर एज रिप्रोडक्टिव पार्ट तो लोअर एब्डोमेन में है, लेकिन टेस्टिस जो है एब्डोमेन से बाहर होती है, दो प्रेजेंट होती है, एक पाउच के अंदर होती है, विच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। क्यों पाउच के अंदर होती है, क्योंकि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए, टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्यों मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म मींस जो मेल गैमीट है, तो स्पर्म कहां बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। तो अगर टेस्टिस का टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉडी टेम्परेचर से या बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा तो जो जितने भी स्पर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टेस्टिस हमारी स्क्रॉटम में, स्क्रॉटम के अंदर कवर्ड होती है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस इज सिचुएटेड इनसाइड द स्क्रॉटम फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन अकर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा हो सके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होती हैं, जैसे ताकि जो है कौन सा प्रोसेस हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम नेक्स्ट चीज समझते हैं कि हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो इसमें आपको बस पॉइंट वाइज चीजें याद करते जाने हैं और समझते जाने हैं माइंड में। सबसे पहले आपने याद करा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, फिर आपने याद करा कि कितने पेयर ऑफ टेस्टिस थी, दो पेयर ऑफ टेस्टिस थी, फिर आपने याद करा कि और क्या प्रेजेंट होता है, एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है, फिर आपने बताया कि और क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। फिर हम सबसे पहले वाले को डिस्कस करने लगे, सबसे पहले वाले को हमने डिस्कस करा तो हमने बताया कि टेस्टिस प्रेयर में प्रेजेंट होती है और टेस्टिस कवर्ड होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। क्यों कवर होती है, ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम रह सके,
सके ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रहे फॉर द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, या आप इसको बोल सकते हो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोल सकते हो, स्पर्म फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। दूसरी चीज आप ये पढ़ रहे हो कि टेस्टिस के अब अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि टेस्टिस की लेंथ क्या है, टेस्टिस की विड्थ क्या है। तो जो टेस्टिस की लेंथ है वो बेसिकली कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ओवल शेप की होती है। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, सपोज करो हम अब टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली आपने देखा कि कितने कंपार्टमेंट्स होंगे, 250 कंपार्टमेंट, और अभी मैंने बताया कि 250 कंपार्टमेंट को आप बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्या बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये हर सपोज करो कितनी टेस्टिस थी आपके पास, 2 टेस्टिस थी, तो दोनों टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो गए, 250 कंपार्टमेंट। अब हर कंपार्टमेंट से 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलेगा। कैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। Now this 1, 2, 3 highly coiled structure is called as seminiferous tubule. इसको आप बोलोगे seminiferous tubule. क्या बोलोगे, seminiferous tubule. ये बहुत important है कि testis scrotum के अंदर present होती है, testis के अंदर 250 compartments होते हैं which are called as testicular lobules. नेक्स्ट आप बोलोगे कि हर testicular lobule से 250 है, तो कितने कितने lobules निकले, हर total lobules कितने हैं, 250, और हर लोब्यूल से कितने हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, 1, 2, 3, हम मान लेते हैं कि 2 निकल रहे हैं। तो अगर 250 कंपार्टमेंट से हर कंपार्टमेंट से 2 ट्यूब्स निकलेंगे तो टोटल कितने ट्यूब्स हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, है ना। थोड़ी सी मैथ्स अगर हम लगाएं तो 250 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट से 2 ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, तो कितने हो गए, 500 हो गए। तो यहां पर बता रहा है कि टेस्टिस हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर से 250 कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट से 1, 2, 3 हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलोगे। अब देखो आपने चीजें जो पढ़ते जाओगे उसको पीछे छोड़ोगे और जो आगे नया नाम आ रहा है उसको कंटिन्यू करो। जैसे कि अभी आपने टेस्टिस पढ़ा, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल आया तो आप लोब्यूल्स पे चले गए, फिर आप लोब्यूल्स के बाद आप किस पे चले गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक नया वर्ड आपको मिला। अब हम किसकी बात करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड का मतलब है ऐसे आप समझ सकते हो कि गुच्छे के फॉर्म में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो अब ये लाइंड होते हैं, क्या होते हैं, लाइंड होते हैं 2 टाइप ऑफ सेल से। कितने टाइप ऑफ सेल से लाइंड होते हैं, 2 टाइप ऑफ सेल से ये लाइंड होते हैं। एक सेल को बोलते हैं मेल जर्म सेल, क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, और एक को बोलते हैं सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। नेक्स्ट देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड है 2 टाइप ऑफ सेल से। कितनी टाइप ऑफ सेल से लाइंड है, 2 टाइप ऑफ सेल से। पहली सेल को आप क्या बोलोगे, मेल जर्म सेल, क्या बोलोगे, मेल जर्म सेल। दूसरी को आप क्या बोलोगे, सर्टोली सेल, क्या बोलोगे, सर्टोली सेल। तो बेटा जो मेल जर्म सेल होती है वो क्या करती है, वो स्पर्म फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। यानी कि मेल जर्म सेल ही है जो स्पर्म को फॉर्म करती है, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। अब ये सर्टोली सेल क्या यहाँ बैठी रहेगी, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये नलायक है क्या, नहीं। सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगी, मेल जर्म सेल को क्या देगी, न्यूट्रिशन देगी। जब सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगी तभी मेल जर्म सेल स्पर्म फॉर्मेशन कर पाएगा। तो सर्टोली सेल का भी फंक्शन कैसा है, इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा ऐसा नहीं समझना, इसका फंक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सारी चीजें समझ ली कि स्पर्म फॉर्मेशन कौन करेगा, मेल जर्म सेल करेगी, और सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये दोनों सेल्स कहां प्रेजेंट होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होंगी। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जहां ये सेल्स नहीं प्रेजेंट है, उनकी बाहर की जगह को आप बोलते हो इंटरस्टीशियल स्पेसेस, क्या बोलते हो, इंटरस्टीशियल स्पेसेस, which is also called as Leydig cell, जिसको आप Leydig cell भी बोल सकते हो। Now what is the function of Leydig cell? Leydig cell का function क्या है? ये male hormone release करेगा, क्या release करेगा? Male hormone, which is called as androgen, जिसको आप क्या बोल सकते हो? Androgen. ठीक है, आपने पढ़, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने ये बताया कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे 3 चीजें लिखी, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, और हमने लिखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड द पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। क्यों स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से लो रह सके, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो सके। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो टेस्टिस है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं। 250 कंपार्टमेंट्स का मतलब है कि हर कंपार्टमेंट से 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकल रहा है, विच इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड है 2 टाइप ऑफ सेल से। पहली सेल को बोलोगे मेल जर्म सेल, दूसरी को हम बोलेंगे सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल फॉर्मेशन करेगा स्पर्म का, वेयर आर सर्टोली सेल क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ताकि मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाए। अब यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर वाली स्पेस है, जहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस।
अगर इंटरस्टीशियल स्पेस, या फिर आप उसको बोल सकते हो यहाँ पे और लगा लेना, या आप उसको बोल सकते हो लेडिक सेल, इंटरस्टीशियल सेल या लेडिक सेल. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरस्टीशियल सेल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल? लेडिक सेल सिंथेसाइज द हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एंड्रोजन. लेडिक सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी जिसको आप बोलोगे एंड्रोजन. तो यहां पे आपका कौन सा पोर्शन खत्म हो गया? टेस्टिस का पोर्शन खत्म हो गया. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक टॉपिक हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया. आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पे जब आप आओगे तो आपको हमें क्या पढ़ना है? एक्सेसरी डक्ट. क्या पढ़ना है? एक्सेसरी डक्ट. देखो अभी आपने क्या पढ़ा? गैमेट का फॉर्मेशन. अब आप क्या पढ़ोगे कि गैमेट मूव कैसे कर रही है? अभी तक आपने पढ़ लिया कि हाँ गैमेट फॉर्म कैसे हो रही है, मेल जर्म सेल गैमेट को फॉर्म कर रहा है. अब आप क्या पढ़ोगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो ये गैमेट का फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, सॉरी. अब आप पढ़ोगे कि गैमेट ट्रांसफर कैसे हो रही है. तो एक्सेसरी डक्ट में बेसिकली क्या आता है? रेटी टेस्टिस. नेक्स्ट आता है वासा एफरेंशिया. नेक्स्ट आता है वास डिफरेंस. नेक्स्ट आपका क्या आता है? एपिडाइडमिस. ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है. एपिडाइडमिस को इधर लिख लो और वास डिफरेंस को इधर लिख लो. वास एफरेंशिया. ठीक है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? रेटिटेस्टिस के बारे में पढ़ना है. उसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? वासा एफरेंशिया के बारे में पढ़ना है. फिर हमको किसके बारे में पढ़ना है? वास डिफरेंस के बारे में पढ़ना है. तो अब हम एक एक करके डक्ट को समझेंगे. रेटिटेस्टिस क्या होता है? देखो हमने बताया कि बहुत सारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सपोज करो कुछ पार्ट रह गया, तो जब अब उन सारे पार्ट को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? रेटिटेस्टिस. क्या बनेगा? रेटिटेस्टिस. अब रेटिटेस्टिस से 10 से 25 क्या निकलेंगे? फाइन ट्यूब्यूल्स निकलेंगे. वो जो ट्यूब्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वासा एफरेंशिया. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस में नाम याद रखना है. रेटिटेस्टिस, और आपके बुक्स में रेटिटेस्टिस लिखा भी नहीं हुआ, वासा एफरेंशिया से ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए. फिर है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया. फिर है एपिडाइडमिस, और लास्ट में आपका आता है वास्ट डिफरेंस. तो बेसिकली एक्सेसरी डक्ट जो हमारा है, डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ट्यूब हमारा करता क्या है? ट्यूब क्या करता है? जो भी चीज फॉर्म हुई है उसको क्या करेगा? आगे की तरफ मूव कराएगा. तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? रेटिटेस्टिस ने जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म हमारे बन चुके हैं, अब वो कहां जाएंगे? अल्टीमेटली रेटिटेस्टिस में. उसके बाद कहां जाएंगे? वासा एफरेंशिया में. फिर कहां चले जाएंगे? एपिडाइडमिस में. फिर कहां जाएंगे? वास डिफरेंस में. तो ये क्या है बेसिकली? ये एक तरह का स्टेज है कि हाँ पहले ये स्टेज आएगी, फिर ये स्टेज आएगी, फिर ये स्टेज आएगी, और इसको करते करते स्पर्म क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर कैसे जाएगा? तो हमें ये समझना है. तो रेटिटेस्टिस क्या होगा? कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? रेटिटेस्टिस बन जाएगा. जब कई सारे ट्यूब्स को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? रेटिटेस्टिस बनेगा. उसके बाद रेटिटेस्टिस से 10 to 25 क्या निकलेंगे? फाइन ट्यूब्यूल्स निकलेंगे, विच इज कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वासा एफरेंशिया. उसके बाद क्या आएगा? एपिडाइडमिस आएगा, और लास्ट में आएगा वास डिफरेंस. अब वास डिफरेंस के बाद क्या होगा? यहां से आएगा, यहां से क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर सपोज करो, और यहां से क्या हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ पीनस जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे. स्पर्म कहां चले जाएंगे? बाहर की तरफ चले जाएंगे. यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, यूरिनरी ब्लैडर रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैक्युलेटरी डक्ट थ्रू द प्रोस्टेट एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. फिर यूरेथ्रा को भी डक्ट मिलेगा, और जो ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटर्स. यानी कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं. यहां से आप ये समझ सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर को एक डक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से पेनिस से जो है स्पर्म क्या कर जाएगा? आगे की तरफ मूव कर जाएगा. स्पर्म कहां जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा. कहां जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा. यूरेथ्रा के बाद कहां जाएगा? यूरेथ्रल ओपनिंग में जाएगा. और यूरेथ्रल ओपनिंग किसके थ्रू होगी? पेनिस के थ्रू होगी. तो दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग अबाउट. रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इसके बाद एक डक्ट. अब ये जो सेमिनल वेसिकल अभी मैंने नाम ले लिया, प्रोस्टेट नाम ले लिया, दीज ऑल आर ग्लैंड्स. ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? ग्लैंड्स विल प्रोवाइड सेक्रीशन. तो जब ग्लैंड्स सेक्रीशन प्रोवाइड करेंगे तो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे जो है ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स बेसिकली सेक्रीशन देते हैं. जब भी अभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं एज इट इज आपको जो पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए होते हैं उसके थ्रू लिखवा दूंगी, ताकि आपको लर्न करने में इजी हो सके. तो एक्सेसरी डक्ट आप समझ लो कि आपने क्या पढ़ा? टेस्टिस प्रेजेंट होता है भैया, ठीक है हम समझ गए. हाँ टेस्टिस प्रेजेंट होता है. फिर हमने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट. चलो रिवीजन नेक्स्ट पेज पे करा देते हैं. देखो हमने क्या पढ़ा? टेस्टिस प्रेजेंट होता है. फिर हमने पढ़ा कि अच्छा टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, ठीक है भैया. फिर हमने पढ़ा कि इससे 1-2-3 हाईली क्वालिटी का स्ट्रक्चर निकलता है. हाँ निकलता है. क्या बोलते हो उसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हो. फिर हमने पढ़ा कि अच्छा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है दो टाइप ऑफ सेल से. हाँ दो टाइप ऑफ सेल होती हैं. पहली को मेल जर्म सेल बोलते हैं. हाँ पहली को मेल जर्म सेल बोलते हैं. दूसरी को सर्टोली सेल बोलते हैं. हाँ दूसरी को भाई सर्टोली सेल बोलते हैं. अच्छा मेल जर्म सेल स्पर्म बनाती है. हाँ और सर्टोली उसको क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है. फिर हमने पढ़ा अच्छा जो उसकी बाहर वाली स्पेस होती है उसको लेडिक सेल बोलते हैं. हाँ लेडिक सेल बोलते हैं. लेडिक सेल क्या करती है? हार्मोन बनाती है. हाँ हार्मोन देता है. हार्मोन रिलीज करती है. कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एंड्रोजन रिलीज करती है. एंड्रोजन कब बोलते हो? जब ग्रुप ऑफ हार्मोन की बात हो. एक हार्मोन बोलोगे तो क्या बोलोगे? टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हो. टेस्टोस
टेओन भी बोल सकते हो। अच्छा फिर आपने क्या पढ़ा डक्ट के बारे में, तो डक्ट के बारे में आपने क्या पढ़ लिया, डक्ट के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पे कौन सा डक्ट होगा, रीटी टेस्टिस होगा सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या बताया यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, रीटी टेस्टिस से ही और ट्यूब निकलेंगे जिसको आप क्या बोलोगे वासा फ्रेंचिया बोलोगे। वासा फ्रेंचिया के बाद क्या आ जाएगा, एपिडाइडमिस आ जाएगा मैम। एपिडाइडमिस के बाद क्या आ जाएगा, एपिडाइडमिस के बाद क्या आ जाएगा, भूल गई मैं, आप बताओ। वासा फ्रेंचिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, क्या आ जाएगा एपिडाइडमिस के बाद, वास डिफरेंस आ जाएगा। वास डिफरेंस के बाद बेसिकली क्या आएगा, वास डिफरेंस के बाद कुछ सेक्रेशंस आएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, जिसके बाद क्या आएगा यूरेथ्रा तक क्या हो जाएगा स्पर्म चला जाएगा, और फिर पीनस से क्या हो जाएगा स्पर्म बाहर की तरफ, यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये आपने अभी तक पूरा प्रोसेस जो है पढ़ लिया है, अब ये आप इतना पूरा प्रोसेस क्या नाम है पढ़ चुके हो। आप जब नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो आप कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे, कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और ग्लैंड आपका प्रेजेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड क्या है यहां पर, बल्बो यूरेथ्रल, और तीसरा हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहां पर जो सेमिनल वेसिकल है वो किसमें प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कैसे प्रेजेंट है, सिंगल होता है, इसमें कोई पेयर वेयर नहीं होता। और बल्बो यूरेथ्रल भी कैसे प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली ये क्या करते हैं, तो बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो ये होता है कि ये सेक्रीशन देते हैं। सेक्रीशन का मतलब है कि ये मूवमेंट को ईजी बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, सेक्रीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन ग्लैंड्स के नाम आपको याद रख लेने हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर एक देखो लाइन लिखी हुई है, द सेक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड, यानी कि आप ये लाइन लिख लो, द सेक्रीशन, the secretion of all these glands, the secretion of all these glands is called seminal plasma। और अब बहुत अच्छे से मन लगा के एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ो, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत पास हैं, अभी भी पढ़ लोगे अच्छे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। द सेक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि ये सारे ग्लैंड्स जो भी सेक्रीशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। तो और यही सेमिनल प्लाज्मा से जब स्पर्म कंबाइन कर जाता है, क्या कर जाता है, इसी सेमिनल प्लाज्मा से जब स्पर्म कंबाइन कर जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज सीमेन। इसको क्या बोलते हो हम, इसको सीमेन बोलते हैं, विच इज अ वाइट मिल्की फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, वाइट मिल्की फ्लूइड लाइक Substance। ठीक, तो यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, सेमिनल वेसिकल प्रेयर में होता है, प्रोस्टेट सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रल पेयर में होता है। ये सेक्रीशंस देते हैं ताकि स्पर्म का मूवमेंट इजी हो जाए, ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को आप काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हो, लिख लो यहाँ पे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम बताओ या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम बताओ, तो ये आपको दोनों नाम क्या है पता हो गए, आप बता लोगे आराम से। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोस, कैल्शियम, काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म कंबाइन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो यहां पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का टेस्टिस वाला पोर्शन, एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड वाला पोर्शन क्या होता है, कवर होता है। अब आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में जब पढ़ोगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पीनस, क्या है पीनस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ गया, पीनस आ गया। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से स्पर्म क्या हो रहा है, अंदर तो फॉर्मेशन हो रहा है और मूवमेंट होकर अंदर से आ रहा है, लेकिन पीनस ऐसा पार्ट है जहां से स्पर्म क्या हो रहा है, बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये कहलाएगा। पेनिस में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है कि इलास्टिक टिश्यू भी आप कह सकते हो। तो बेसिकली पेनिस में क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। पेनिस के जो ऊपर का टिप प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, एनलार्ज टिप, उसको आप बोलते हो ग्लैंड्स पेनिस, उसको आप क्या बोलते हो ग्लांस पीनस बोलते हो, यानी कि इरेक्टाइल पार्ट को आप क्या बोलते हो, ग्लांस पीनस बोलते हो। और पीनस जिस और पीनस कवर्ड होता है कि स्किन से, दैट स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन, और इसको प्रिप्यूस भी बोल सकते हो, फोर स्किन, या इसको आप प्रिप्यूस भी बोल सकते हो। ओके, तो हमने क्या बताया आपको, हमने क्या बताया, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज हम बार बार इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस हमने बताया कितना टेस्टिस प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट है। हर कंपार्टमेंट से कितने स्ट्रक्चर निकल रहे, 1-2-3 स्ट्रक्चर निकल रहे, उसको क्या बोलोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी लिख दो। नेक्स्ट आप देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने टाइप ऑफ सेल्स है, लाइन है, दो टाइप। पहली को क्या बोलते हो, मेल जर्म सेल, दूसरी को क्या बोलते हो, सर्टोली। ये क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। बाहर वाली सेल क्या करती है, हार्मोन का काम करती है, कहते क्या हो इसको, लेडिक सेल कहते हो। उसके बाद हमने क्या बताया, कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया। उससे पहले हमने क्या बताया, डक्ट के बारे में बताया। डक्ट के नाम आपको याद हो चुके हैं, ग्लैंड के नाम भी हमने तीन बताए, सेमिनल वेसिकल,
सेमिनल वेसिकल बता दिया, और हमने क्या बताया, प्रोस्टेट बता दिया, और हमने क्या बता दिया, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम आप आसानी से लिख लोगे, आपको याद हो चुका है। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है, वन होता है। ये कितना होता है, पेयर में होता है। ये भी कितना होता है, पेयर में होता है। तो यहाँ पे हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिटेल में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, तो जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस एक्सेसरी डक्ट पढ़ा और उसके बाद अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा, तो इन द सेम वे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी प्राइमरी, ये जो टेस्टिस है ना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। उसी तरह ओवरी भी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आएगा, ओवरी आएगा। क्या आएगा, बेसिकली ओवरी आएगा। ओवरी के बाद आपका क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब। क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएगा, एक्सटर्नल। तो बेसिकली आप ओवरी से समझ गए होगे कि जिस तरह टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होगा, उसी तरह ओवरी में क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। फिर आपने पढ़ा होगा फेलोपियन ट्यूब, यानी कि अभी हमने डक्ट पढ़े, तो जिस तरह हमने इतने सारे डक्ट पढ़े हैं, उसी की तरह फेलोपियन ट्यूब भी कैसा स्ट्रक्चर है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बने हुए एग को क्या करेगा, ट्रांसफर करने में काम करेगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका क्या आता है, वेजाइना आता है और सर्विक्स आता है। वेजाइना आता है और क्या आता है, सर्विक्स आता है। वेजाइना बेसिकली क्या करता है, वेजाइना बेसिकली स्पर्म को, स्पर्म की एंट्री कहां से होती है, वेजाइना से होती है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, और ये डक्ट वाला काम करेगा। तो यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा, और फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब किसमें हेल्प करेगा, फेलोपियन ट्यूब बेसिकली ट्रांसफर में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो ओवरी कितनी होती है बेटा, दो। कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है, दो। जैसे स्पर्म दो, स्पर्म कैंडिडेट जैसे टेस्टिस दो प्रेजेंट होते हैं, इन द सेम वे ओवरी भी कैसे प्रेजेंट होती है, ओवरी भी जो है दो प्रेजेंट होती है। ओवरी में होता क्या है, ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। ओवरी में बेसिकली क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ओवरी में क्या होता है, बेसिकली एग का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, आप जब ओवरी से आगे जाओगे तो आपको फेलोपियन ट्यूब मिलेगा। फेलोपियन ट्यूब को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। हम लोग फेलोपियन ट्यूब फिर से लिखेंगे क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है, सुंदर सा लिखेंगे। देखो, तो फेलोपियन, फिर खराब हो गया, फिर से लिखेंगे। फेलोपियन ट्यूब में बेसिकली कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट। सबसे जो वाइडर वाला पोर्शन है ना, वाइडर वाले पोर्शन को आप बोल सकते हो इनफिंडलम। क्या बोल सकते हो, इनफिंडिबुलम। उसके आगे का जो रीजन आएगा उसको आप बोल सकते हो एम्प्यूला। क्या बोल सकते हो, एम्प्यूला। और लास्ट में जो सबसे नारो वाला रीजन आता है उसको बोलते हो इस्थमस। क्या बोलते हो, इस्थमस। तो ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं। ओवरी में आपको पता है कि ओवरी का शेप क्या होगा, वही 2-3 सेंटीमीटर लेंथ होगी, इतनी उसकी क्या नाम है, विथ होगी, आलमंड शेप्ड की होती है। ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है ना। उसके बाद आप पढ़ते हो कि फेलोपियन ट्यूब में बेसिकली क्या है, फेलोपियन ट्यूब बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, इनफिंडलम, एम्प्यूला और इस्थमस। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, यानी कि ओवरी में, यानी कि एग और स्पर्म कौन से रीजन पे मिलते हैं, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में मिलते हैं। जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है। तो नेक्स्ट देखोगे, अगर आपको ओवरी वाला पार्ट समझ आ गया, फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट देखो, तो ओवरी की बात आपको समझ आ गई कि यहां पर एग का फॉर्मेशन हुआ। एग का यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन। एक बार हम डायग्राम थोड़ा बनाने की अगर कोशिश करें तो हम डायग्राम बनाते हैं, आपको डफ डायग्राम एक बनाते हैं। यहां से आप देख सकते हो कि दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेजाइना। इस रीजन को क्या बोलते हो, वेजाइना। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ओवरी। इसको क्या बोलोगे, ओवरी। दिस रीजन इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, फेलोपियन ट्यूब। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज यूटरस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटरस। कैसा शेप है यूटरस का, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। क्या शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है यूटरस का। ये जो आपको यहां पर ऐसे, आप ओवरी में आपको एक फिंगर लाइक पार्ट दिख रहा है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रियाई भी बोलते हैं इसको लोग, फिम्ब्री भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो भी एग रिलीज होता है ना ओवरी में, उसको यहाँ पे क्या करता है, पकड़ लेता है और कहाँ लेके जाता है, फेलोपियन ट्यूब तक। सपोज करो ओवरी में आपका एग बना, अब ये एग कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब तक। कहाँ चला जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब तक चला जाएगा।
इसी से हम प्रेगनेंसी भी, इसी से हम फर्टिलाइजेशन भी समझ लेंगे, यहीं पर हम फर्टिलाइजेशन भी समझ लेंगे। तो यहां पर आप देखो कि एग यहां पर बना, ये फेलोपियन ट्यूब में गया, तो ये जो वाइडर वाला रीजन है इसको आप इन्फिंडलम बोलते हो, ये देखो फेलोपियन ट्यूब थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो इस रीजन को एम्पुला बोलोगे। जहां पर एकदम नैरो हो जाएगा दैट रीजन इज कॉल्ड एज इस्थमस, यानी कि यहां कहीं पे एम्पुला है और यहां कहीं पे क्या है इस्थमस प्रेजेंट है। तो आप सपोज करो कि स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू अंदर आया, स्पर्म कैसे अंदर आया, वेजाइना के थ्रू अंदर आया। अब स्पर्म कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, कहां चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में एग के साथ अगर स्पर्म ने क्या करा फर्टिलाइजेशन करा, क्या करा फर्टिलाइजेशन करा, तो बन जाएगा जाइगोट, क्या बन जाएगा जाइगोट। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखिए एक केस वन, हम दो केस इसके बारे में स्टडी करेंगे, एक हम पढ़ेंगे केस वन और एक हम पढ़ेंगे केस टू। सपोज करो केस वन में कि स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा और वहां पर उसको एग भैया मिले, इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन करके क्या बना दिया जाइगोट, क्या बना दिया जाइगोट। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रेगनेंसी, दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट समझो, सपोज करो यहां पर स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म इस केस में आया ही नहीं, एग अकेला बैठा रह गया। अब इस केस में क्या होगा मेंस्यूरेशन, क्या होगा मेंस्यूरेशन, मेंस्यूरेशन या आप लिख दो मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या लिखोगे मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दो केस हो गए। पहला केस क्या था, स्पर्म, स्पर्म क्या नाम है वेजाइना के थ्रू गया, वेजाइना के थ्रू गया उसको एग मिला, जब एग मिला तो जाइगोट बना, इस प्रोसेस को क्या हो गया प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखो स्पर्म है ही नहीं, एग अकेला बैठा है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम दोनों केस को स्टडी करते हैं। पहले केस में अगर ये वाली कंडीशन हुई, ये वाली कंडीशन हुई यानी कि स्पर्म और एग मिले जाइगोट बना। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट जाएगा यूट्रस में, जाइगोट कहां चला जाएगा यूट्रस में। अब यूट्रस के बारे में पढ़ने से पहले हमें यूट्रस के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए कि यूट्रस में कौन सी लेयर, यूट्रस में की जो अंदर वाली लेयर है उसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो यूट्रस के अंदर वाले लेयर को, एंडोथीलियम, क्या बोलते हो एंडोथीलियम। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि यूट्रस के पास कितनी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, यूट्रस के पास बेसिकली तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली होगी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कौन सी होगी बाहर वाली, और नेक्स्ट वाली होगी एंडोथीलियम, नहीं एंडोमेट्रियम कर लो इसको, यहां पर क्या होगा एंडोमेट्रियम, सॉरी एंडोमेट्रियम। थीलियम तो कभी भी, जैसे हम स्किन की बारे में बात कर रहे हैं तो स्किन में जो ऊपर वाली लेयर है एपिथीलियम, अंदर वाली लेयर है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, बट जब यूट्रस की बात करते हैं तो पहली वाली लेयर को क्या बोलते हो मायोमेट्रियम, और जो लास्ट वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एंडोमेट्रियम। तो बेसिकली यहां पर बता रहा है कि यूट्रस में तीन लेयर होती है, मायोमेट्रियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया एंडोमेट्रियम हो गया, उसके बाद एक आप बाहर वाली लेयर ले सकते हो। नेक्स्ट देखो यूट्रस में हमें बेसिकली जो फंक्शन समझना है वो हमें लास्ट वाली लेयर से समझना है। तो यहां पर बताया कि स्पर्म नहीं आया, एग कहां गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला गया, कहां खो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया या जो अनफर्टिलाइज एग है, अब वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाली वॉल के साथ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस क्या हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। प्रेगनेंसी में क्या हुआ जाइगोट बन गया, अब जाइगोट यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम की वॉल से चिपक जाएगा, यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम की वॉल से क्या करेगा चिपक जाएगा, और धीरे धीरे वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा और बेबी में क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा। वेयर एज मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ बाहर निकल आएगा। अब इसके आगे आप एक चीज और समझो कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो प्रेगनेंसी के केस में क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ना वो प्रेगनेंसी के केस में थिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। थिक क्यों हो जाती है भाई, जब थिक होगी तभी तो बेबी को सपोर्ट दे पाएगी। वेयर एज मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये थिन हो रही है। तो ये प्रोसेस चलता कैसे होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में थिन हो जा रही है, जब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में थिन हो जा रही है तो वापस से रीजनरेशन कैसे हो रहा है, वापस से थिक कैसे हो रही है। तो एक बार हम इसको समझते हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली कितने दिन की होती है, 1 to 28 days आप कह सकते हो, ठीक है। अब आपकी बॉडी में 10 to 17 day पर क्या होता है, 10 to 17 day पर होता है ओव्यूलेशन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एग बन के बॉडी से बाहर निकल गया, हम हमेशा ओव्यूलेशन को समझते हैं कि एग बना और बॉडी से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। 1 to 28 days की ये साइकिल होती है, 10 to 17 days पे ओव्यूलेशन होता है। इसका मतलब है कि एग आपकी बॉडी में रिलीज हुआ, ठीक है, आपकी बॉडी में एग क्या हुआ रिलीज हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे ओव्यूलेशन, क्या बोलोगे ओव्यूलेशन। इस टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, अगर स्पर्म मिलेगा तो तुरंत क्या नाम है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि हमें सेक्स अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाई बिकॉज एट दिस टाइम द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर सो हाई। तो यहां पर बोल रहा है कि 10 to 17 days पे ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि क्या हुआ कि एग यहां पर रिलीज हो गया। नेक्स्ट यहां पर आपको ये बताएगा कि अब यहां पर 10 to 17 days में ओव्यूलेशन हो गया, अब 28th
डे पर, 28th डे पर यहां पर क्या होगा, अगर एग सपोज करो एग को स्पर्म मिला तो भाई प्रेगनेंसी हो जाएगी, यानी कि जायगोट बन जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। लेकिन भाई एग अकेला है, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केस में जो हमारा एग है वो यूट्रस में आएगा, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ जब एग शेड होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब दूसरी बात यह है कि एग जो है क्या हो गया, निकल गया, अब दोबारा यूट्रस कैसे खुद को मेंटेन करेगा, तो आपने नाम सुना होगा रीजनरेशन का, भाई हमारी बॉडी में रीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन के थ्रू यूट्रस की जो लाइनिंग है वो वापस से क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, वापस से मेंटेन होगी, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फिर अगले मंथ 10-17 डेज पर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन में अगर स्पर्म मिला तो प्रेगनेंसी, नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, यूट्रस के साथ, यूट्रस की वॉल के साथ क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के साथ एग बाहर की तरफ चला जाएगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखो, हमने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने किसकी बात करी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने ओवरी की बात करी, और हमने किसकी बात करी, ओवरी के बाद हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बाद में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वेजाइना और सर्विक्स, वेजाइना और सर्विक्स मिलकर बनाती है बर्थ केनाल, वेजाइना और सर्विक्स मिलकर क्या बनाती है, बर्थ केनाल। बर्थ केनाल का मतलब क्या है कि बेबी को यहां से क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, तो बर्थ वेजाइना और सर्विक्स क्या बनाती है, बर्थ केनाल बनाती है। तो ये भी आपका क्या था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो बेसिकली और जो फीमेल्स में हार्मोन है वो क्या, कौन से हार्मोन होते हैं, जैसे मेल में आपने एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पढ़ा, इसी तरह फीमेल में क्या पढ़ोगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल हार्मोन्स कौन से होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में होना, प्रेगनेंसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बेसिकली प्रेगनेंसी को क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है। तो दिस इज दी डिस्कशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रेगनेंसी के बारे में भी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी है। प्रेगनेंसी में अगर हम और चीजें देखें तो आप देख सकते हो कि सपोज करो अगर बेबी है तो बेबी के फर्स्ट 2-3 मंथ्स में क्या हो जाएगा, मेजर ऑर्गन बन जाएंगे, मतलब मेजर ऑर्गन बन जाएगा। मेजर ऑर्गन बनने के बाद फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। फिफ्थ मंथ में क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि और जब आप 6-7 मंथ्स में जाओगे तो जो 6-7 मंथ्स में आपको देखेगा कि बॉडी कवर्ड हो जाएगी हेयर के साथ। बॉडी कैसे कवर्ड हो जाएगी, बॉडी कवर्ड हो जाएगी हेयर के साथ। और 9 मंथ्स में आप देखोगे कि बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी, बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम पार्चुरेशन, पार्चुरेशन आता है, और एक आता है जेस्टेशन। तो जेस्टेशन और पार्चुरेशन में हमको मतलब कभी नहीं समझ आता। पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि जब बेबी फुली डेवलप हो गया, उसकी डिलीवरी हो गई, वो दुनिया में आ गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, पार्चुरेशन। जेस्टेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगो, डेवलपमेंट ऑफ बेबी भी लिख सकते हो, यानी कि जब बेबी क्या नाम है, डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग लिख दो या डेवलपमेंट ऑफ फीटस लिख दो। क्यों, क्योंकि अभी बेबी बाहर नहीं आया, कहां पर है ये, अभी मदर के वूम में ही प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डेवलपमेंट ऑफ फीटस को जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब होता है कि जितने टाइम के लिए बेबी मदर के वूम में रहेगा, जैसे कि ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का, कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का। तो दिस 9 मंथ इज कॉल्ड एज जेस्टेशन, दिस 9 मंथ इज कॉल्ड एज जेस्टेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। इसको आप क्या बोलते हो, पार्चुरेशन बोलते हो। तो अगर हम सबसे पहले वाले पीडीएफ स्लाइड में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने आज क्या लिखा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने कवर कर लिया, हमने लिखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने कवर कर लिया, प्रेगनेंसी की भी हमने चीजें पढ़ ली। अब हमें बेसिकली फर्टिलाइजेशन की चीजें थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो तो जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो बात आ जाती है स्पर्म की और बात आ जाती है एग की। अब स्पर्म होता है हैप्लोइड, वेयर एज एग भी कैसा होता है, हैप्लोइड। अब स्पर्म और एग को मिलके बनाना है जाइगोट, जो कि होता है डिप्लोइड। इतनी चीजें तो आपको पता है। अब स्पर्म क्या करेगा, ये सपोज करो स्पर्म है, ये सपोज करो ओवम है। अब स्पर्म क्या करेगा, यहां जो एग की वॉल है इसमें कुछ चेंजेस करेगा, क्या करेगा, कुछ चेंजेस करके अंदर की तरफ चला जाएगा। आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें से केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है और जायगोट बनाता है। तो ये स्पर्म क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और ये जोना पेल्यूसिडा वॉल होती है, यहाँ ओवम की जो वॉल होती है उसको बोलते हो जोना पेल्यूसिडा। तो इस वॉल में क्या करता है, चेंजेस करता है, अंदर की तरफ चला जाता है और न्यूक्लियस से क्या करता है, ओवम के फर्टिलाइजेशन करता है, यानी कि स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस मिलता है और मिलकर क्या बनाता है,
है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, ये प्रोसेस हुआ। अब आप ये सोचो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहां पर जैसे ही ये जाएगा अंदर, वैसे ही ओवम रिलीज होगा, वैसे ही क्या होगा, ये वाली जो वॉल है ये टूट जाएगी। फिर से समझो, सपोज करो ये स्पर्म है, ये ओवम है, स्पर्म आया, इस वॉल में कुछ चेंज करा, यहां से ओवम बाहर निकल गया, यहां से ओवम क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब यहां जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि मैम सपोज करो स्पर्म नहीं आया तो क्या ओवम नहीं निकलेगा? ओवम तो है लेकिन इमेच्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इमेच्योर फॉर्म में है। यानी कि जो ओवम हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर रिलीज होता है ना बेटा, वो इमेच्योर होता है। उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो फुली डेवलप्ड ओवम नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवम तो तब पूरी तरह से रिलीज होगा जोना पेलियोसिटा से जब उसको स्पर्म मिलेगा, लेकिन जब उसको स्पर्म मिला ही नहीं तो वो भाई रिलीज कैसे होगा? तो इसलिए आप कह सकते हो कि डेवलप नहीं है पूरी तरह से। तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन का हो जाता है। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ, उसको आप नोट कर सकते हो। ओके, तो हमने आज क्या कवर करा? सबसे पहले हमने टेस्टिस कवर करा, उसके बाद हमने एक्सेसरी डक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या नाम है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कवर करा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बेसिक चीजें पढ़ी, प्रेगनेंसी की कुछ बातें पढ़ी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी थोड़ा बहुत डिस्कस करा, फर्टिलाइजेशन में भी हमने आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताया, जायगोट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है हमने ये बताया। और फिर स्पर्म की जो ये बीच वाली बॉडी होती है इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की जो टेल होती है ना, स्पर्म की टेल को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है ताकि स्पर्म आगे की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। स्पर्म आगे की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। अब ये जो स्पर्म का हेड वाला पोर्शन होता है इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हो एक्रोसोम। क्या बोलते हो? एक्रोसोम। ये फ्लूइड क्या करता है, चेंजेस करता है। यही फ्लूइड होता है जो चेंजेस करता है जोना पेल्यूसिडा की वॉल में। कौन चेंजेस करता है? यही फ्लूइड करता है, यही है हीरो जो क्या करता है, चेंजेस करता है। नेक्स्ट एक चीज हमारी बच गई है, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब क्या होता है? What do you mean by lactation? Lactation का मतलब होता है कि जब बेबी बॉर्न हो गया, gestation खत्म, यानी कि 9 मंथ का समय खत्म हो गया, अब पार्चुलेशन हो गया यानी कि डिलीवरी हो गई बेबी की। डिलीवरी होने के बाद मदर मदर फीड कराती है बच्चे को, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। उसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन का मतलब क्या है? जब जो छोटा सा बच्चा है वो मिल्क फीडिंग करता है तो उसको क्या बोलते हो? लैक्टेशन बोलते हो ना, कि जब क्या नाम है, लैक्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जब मदर की बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स वर्क कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शनल हो गए हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सेक्रेट कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल पीरियड। इस पीरियड को आप क्या बोलते हो? लैक्टेशनल पीरियड बोलते हो। तो ये लैक्टेशन की बात हो गई। लैक्टेशन में क्या होता है? एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है मदर के मिल्क में जो कि बच्चे को मिलती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से क्या हो सकता है, बच सकता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? एंटीबॉडीज के लिए होता है, इसलिए बोला जाता है कि 6 मंथ तक मदर का मिल्क जो है बहुत ज्यादा हेल्दी होता है बच्चे के लिए। तो यहां पर हमने रिप्रोडक्शन की सारी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म कर ली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, उसके बाद हमने प्रेगनेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई, फर्टिलाइजेशन बताया। जितनी भी चैप्टर में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इस वन शॉट में कवर करी है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको क्या करना है, क्विक जवाब देना है। तो आप बताओ कि टेस्टिस में कितनी पेयर ऑफ टेस्टिस होती है? आंसर ही बोल दिया, कितनी टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस। के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम के अंदर। क्यों? ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके और स्पर्म फॉर्म हो सके। फिर हमने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250 कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट से क्या निकलता है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर ट्यूब्यूल लाइन होता है दो टाइप ऑफ सेल से, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? बाहर जो स्पेस होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल स्पेस, वेयर इज आल्सो कॉल्ड एज लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करेगी? सिंथेसाइज सेक्रेट करेगी मेल हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एंड्रोजेन। उसके बाद हम आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब में 3 पोर्शन है, इन्फिंडलम, एम्पुला, इस्थमस। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होगा। कहां पर होगा? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, तो एंडोमेट्रियम की वॉल से जाकर यूट्रस में जाकर चिपक जाएगा और डेवलपमेंट चालू कर देगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर की तरफ चला आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 1 to 28 डेज की होती है। ओव्यूलेशन यानी कि एग रिलीज होना बॉडी में कब होता है? 10 to 17 डेज में होता है। और अगर उसको स्पर्म मिलता है तो प्रेगनेंसी, नहीं मिलता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर निकल आता है। फिर हमने कुछ फर्टिलाइजेशन की बात करी, पार्चुलेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, जेस्टेशन, जितने टाइम तक डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद हमने लैक्टेशन पढ़ा। लैक्टेशन का मतलब क्या है? कि जब बच्चा बाहर आ गया है अब वो क्या कर रहा है? मिल्क फीडिंग, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या हो गए? मदर के डेवलप्ड हो गए, या कह सकते हो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली? कवर कर ली। आई होप आपका जितना भी रिवीजन वाला पोर्शन था, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, वो कवर हो गया। अब इसको आप वापस से इस नोट्स को आप देख सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो रिवीजन नोट्स के फॉर्म में, और अच्छे से पढ़ाई करो।
नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा वो दूसरा हम चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इसी तरह आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.